गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं मानसरोवर विहार से गामित अमी तो स्टूडेंट्स कल हमने देखा था कि भगवान जो थे वो जो मूर्ति की रचना कर रहे थे उसमें हर एक भाग जो था हर एक भाग जो था वो कैसा होगा हिल सके ऐसा फिर हम बदल सके ऐसा तो ये जो हमारा ये जो हमारे भगवान जो थे वो मूर्ति की रचना कर रहे थे वो मूर्ति में वो अलग अलग प्रकार से क्या कर रहे थे के अलग अलग प्रकार से अपने खास विचार रख रहे थे तो फिर आगे हमने वो भी देखा था कि वो भगवान जो थे तो वो मूर्ति में एक, एक एक चुंबन भी ऐसा रखने वाले थे कि जिसकी वजह से कोई भी हमें कोई भी घाव हुआ हो तो टूटे हुए पेड़ से टूटे हुए दिल तक का कोई भी घाव क्या हो सके अच्छा हो सके और फिर भगवान ने ये भी बताया था कि मैं छह जोड़ी जो हाथ है वो भी देने वाला हूँ और तीन जोड़ी आँख भी उसको देने वाला हूँ तो ये सब सुनकर जो देवदूत जो था वो क्या हो गया था कि वो उसने धीरे से अपना सिर हिला दिया था और फिर उसने क्या सोच लिया था कि ये तो कैसा कार्य है असंभव कार्य है और फिर उसने कहा कि छह जोड़ी हाथ ये तो संभव ही नहीं है नो दिस हैंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी के क्या कहा कि ये जो छह जोड़ी हाथ है वो मेरे लिए कोई समस्या नहीं है इट इज़ द थ्री पेयर्स ऑफ आइज दैट द मदर्स हैव टू बसल के भगवान जो थे वो गहरी सोच में चले गए थे और फिर उन्होंने कहा था कि माता जो है उसके पास तीन जोड़ी आँख तो होनी ही चाहिए उस सो यू आर क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ अ मदर बट थ्री पेयर्स ऑफ आइज वॉट फॉर द एंजल इंटरेस्टेड इसलिए जब उन्होंने मधर का नाम सुना देवदूत ने तो उससे कहा इसका मतलब आप माता की आदर्श मूर्ति की रचना कर रहे हो पर तीन जोड़ियां किस लिए अभी जो देवदूत जो था उसे ये बात सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था वन पेयर थेट सीज हर चिल्ड्रन थ्रू क्लोज डोर्स के एक जोड़ी आँख किस लिए के माता अपने बच्चे को थ्रो थ्रो यानी आर पार के माता अपने बच्चे को बंद दरवाजे से आर पार भी देख सके अनदर पेर टू लुक एट द चिल्ड्रन एंड से आई अंडरस्टैंड एंड आई लव यू विदाउट अ वर्ड और दूसरी पेर जो थी वो किस लिए कि माता अपने बेटे को देख कर कहे कि मैं तुझे एक भी शब्द बिना बोले कहे कि बेटा मैं तुझे समझ सकती हूँ और मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ विदाउट अटरिंग वर्ड विदाउट यानी बिना अटरिंग वर्ड एक भी शब्द बिना बोले माता अपने बच्चे को सिर्फ देख कर बता सके कि मैं तुझे समझती हूँ और मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ एंड द थर्ड पेर टू सी ऑल सीक्रेट थिंग्स विदाउट ओपनिंग धैम के और फिर तीसरा तीसरा किस लिए था के द थर्ड पेर टू सी ऑल सीक्रेट 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 यानी रहस्य राज कि उसके जो रहस्य की बातें हैं वो उसे बिना पूछे उसे बिना खोले माता जान सके इसलिए भगवान ने तीन जोड़ी आंखों की बात की थी पहली जोड़ी क्या थी कि माता अपने बच्चे को बंद दरवाजे के आर पार भी देख सके दूसरी जोड़ी किस लिए थी कि माता अपने बच्चे को देख कर कह सके कि मैं तुझे समझ सकती हूँ और मैं तुझे प्यार करती हूँ बिना शब्द बोले फिर तीसरी जोड़ किसके किसके लिए थे कि माता अपने बच्चे के हर एक राज उसे बिना खोले जान सके फिर लॉर्ड रिक्वेस्टेड एंजल प्लीज़ गो टू बेड डू नॉट टेक सो मच ट्रबल इन अ सिंगल डे फिर भगवान ने देवदूत को रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके तुम सो जाओ एक ही दिन में आप अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो तो देवदूत ने क्या कहा देखो ट्रबल यानी तकलीफ सिंगल डे यानी एक दिन में ये सब जानकर तुम अपने आपको तकलीफ मत दो तो आई कैन नॉट ही रिफ्यूज चलो रिफ्यूज ये जो रिफ्यूज शब्द है रिफ्यूज का अर्थ होगा मना करना के क्या कहा के देवदूत ने कह दिया मुझे नहीं सुना है आई हैव ऑलमोस्ट कम्पलीट एड दर्क फिर भगवान ने उसे कहा मैंने ज़्यादातर काम पूरा ही कर दिया आई हैव पुड द बेस्ट ऑफ माई आइडियाज इन टू धिस मॉडल के मैंने ये मूर्ति में मॉडल यानी मूर्ति की ये मूर्ति में मैंने मेरे खास विचार रख दिए है नाउ दिस मधर वील हिल हरसेल्व वेन श्री इज शिक देखो यहाँ पे आया हिल हिल यानी संभालना एच ई ए एल के माता सिक सिक बीमार है। के अब मैंने ये मूर्ति में अपने विचार रख दिए हैं खास विचार रख दिए हैं इसलिए माता जब बीमार होगी तो अपने आप को वो खुद संभाल लेगी शी वुड बी एबल टू फीड अ फैमिली ऑफ सिक्स मेम्बर्स डे ऑन हाफ अ किलो ऑफ केबेज के माता अपने परिवार के अपने परिवार के छह लोगों को आधा किलो पत्ता गोभी में भी खिला सके इतनी वो संभव है एबल एबल का मतलब होगा संभव एबल का मतलब होगा संभव कि माता इतनी संभव है कि वो अपने परिवार के छः लोगों को आधा किलो पत्ता गोभी में भी खिला सकती है एंड शी वुड मैनेट मैनेज अ चाइल्ड्स बाथ प्ले स्टडी फूड एंड स्लीप विदाउट इरिटेटिंग 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 का मतलब इरीटेटेड इरीटेटेड का मतलब क्या होगा बिना चिड़े बिना गुस्से हुए इरिटेटेड यानी गुस्सा होना के भगवान ने क्या कहा के और माता अपने बच्चे को अपने बच्चे का नहाना फिर उसका खेलना पढ़ना खाना और सुलाना ये सब माता बिना गुस्सा हुए भी संभाल सके इतने मैंने अच्छे विचार रख दिए है द एंजल वेंट राउंड द मॉडल ऑफ द मदर वेरी स्लोली यह सुनकर फिर देवदूत जो था वो क्या करने लगा मूर्ति के आसपास घूमने लगा ही टच इट एंड सेट इट्स टू सॉफ्ट इसने मुझे उसने उसे पकड़ा और फिर छुआ और कहा यह तो बहुत कोमल है स्लोली यानी धीरे धीरे ओके तो बट वेरी टफ सेठ द एक्साइटेड फिर भगवान ने उत्तेजित होकर उसे कहा ये बहुत मुश्किल भी है ये ऊपर से भले सॉफ़्ट दिखे ऊपर से भले कोमल हो पर अंदर से बहुत मुश्किल भी कठिन भी है टफ़ यानी कठिन यू कैन नॉट इमेजिन वट दिस मदर कैन डू एंड एंडियोर कि तू सोच भी नहीं सकता कि ये माता डू यानी करना और एंडियोर यानी सहना कि तू सोच भी नहीं सकता कि ये माता क्या कर सकती है और क्या एंड्योर एंड यानी सहना क्या सह सकती है फिर देवदूत ने पूछा कैन इट थिंक क्या ये सोच सकती है क्या ये माता की मूर्ति सोच सकती है तो भगवान ने क्या कहा नॉट ओनली नॉट ओनली कैन सी थिंक बट कैन रीजन एंड कॉम्प्रोमाइज टू सेट द लॉर्ड तो भगवान ने क्या कहा कि ये सिर्फ सोच नहीं सकती ये सिर्फ भगवान ने कहा यह सिर्फ सोच नहीं सकती पर उसका समझौता भी कर सकती है आया समझ में देखो नॉट ओनली कैन शी थिंक बट कैन रीजन एंड कॉम्प्रोमाइज टू सेट द लॉर्ड तो भगवान ने कहा कि ये सिर्फ सोच नहीं सकती पर सोच कर उसका कारण भी ढूंढ सकती है और उसके साथ समझौता भी कर सकती है द एंजल वॉज इम्प्रेस्ड यह सुनकर जो देवदूत जो था वो क्या हो गया प्रभावित हो गया ही वेंट क्लोजर टू द मॉडल एंड मूवड हिज फिंगर अक्रॉस द चेक फिर वो मूर्ति के एकदम नज़दीक गया और फिर उसने क्या किया कि उसकी जो उसके हाथ की उंगलियों को कहाँ घुमाने लगा वो मूर्ति के जो गाल थे उस पर घुमाने लगा फिर उसने कहा ओ वो लोड हर आइज आर लिकिंग फिर उसने कहा कि अरे प्रभु इसकी आंखों में से तो कुछ गिर रहा है तो हाउ डिड दिस हैपन तो भगवान सोच में पड़ गए ये कैसे हो सकता है इट मस्ट बी अ इर ओ आंसू ही हो सकते हैं आई हैव नॉट put इट there पर मैंने तो उसे नहीं रखा था वहाँ पर इट इज़ अ miracle ये क्या हो गया चमत्कार हो गया द Lord exclaimed भगवान ने अचरज से कहा आश्चर्य से कहा कि मैंने तो आंसू नहीं रखा था ये तो जादू हो गया तो यह सोचकर देवदूत ने कहा बट वॉट इज द ईयर फॉर माई लोड कि पर ये आंसू किस लिए मेरे भगवान बट इट इज समथिंग यूनिक ये थोड़े अनोखे है आंसू जो है ये कैसे है थोड़े अनोखे है मे बी इट इज फॉर पेन के शायद ये दुख के हो सकते हैं जोई आनंद के हो सकते हैं प्राइड गर्व के हो सकते हैं डिसअमेंट उदासी के हो सकते हैं लोनलीनेस या तो फिर अकेलेपन के हो सकते हैं भगवान ने समझाया भगवान ने समझाया कि आंसू तो ये थोड़े अनोखे आंसू है ये तो दुख के हो सकते हैं आनंद के हो सकते हैं अभिमान गर्व के हो सकते हैं उदासीनता तो के हो सकते हैं या तो फिर अकेलेपन के हो सकते हैं वॉट अ वंडरफुल क्रिएशन यह सुनकर देवदूत बोल उठा कि ये सच में बहुत अद्भुत रचना है तो स्टूडेंट ये जो थी हमारा वंडरफुल क्रिएशन तो वंडरफुल क्रिएशन में सबसे पहले हम वापस एक बार रिपीट कर देते हैं कि भगवान जो थे वो छः दिन से छः दिन से बहुत एकाग्रता से क्या कर रहे थे काम कर रहे थे जब वो पूरा मन लगा कर काम कर रहे थे तब क्या हुआ देवदूत आया और देवदूत ने देवदूत ने कहा कि भगवान आप इतना मन लगा कर ये कौन से प्राणी की ये कौन सी मूर्ति की रचना कर रहे हो और क्यों इतनी देख इतना ध्यान रख के ये मूर्ति की रचना कर रहे हो तो भगवान ने कहा कि तेरी बात सच्ची है कि मैं ये मूर्ति की जो रचना कर रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से मन लगा कर कर रहा हूँ तो क्या तू तो इसके बारे में और कुछ जानना चाहता है तो देवदूत यह सुनकर उत्सुक हो गया और वो पूछने लगा क्या तो भगवान ने उससे कहा कि ये जो मैं मूर्ति की रचना कर रहा हूँ तो ये मूर्ति के सारे अंग जो हो गए वो कैसे हो गए हिल सके ऐसे हो गए और हम उसे बदल सके ऐसे भी हो गए ये मूर्ति में मैं एक चुंबन भी देने वाला हूँ जो टूटे हुए पेड़ से टूटे हुए दिल तक का जो घाव है वो अच्छा कर सके और फिर ये मूर्ति में छह जोड़ी हाथ भी देने वाला हूँ और तीन जोड़ी आँख भी देने वाला हूं। जिसकी वजह से माता अपने परिवार को उपलब्ध खाने से अच्छी तरह से खिला सके फिर आगे यह सुनकर देवदूत सोच में पड़ गया इसलिए उसने अपना सिर धीरे से हिला दिया और फिर उसने सोच लिया कि ये तो असंभव बात है छः जोड़ी हाथ तो संभव हो ही नहीं सकते फिर भगवान फिर वो सोचने लगे कि मुझे हाथ की कोई प्रॉब्लम नहीं पर भगवान माता की मूर्ति में तीन जोड़ी आँख तो होनी ही चाहिए तो जब ये सुना तब देवदूत को पता चला कि भगवान इतनी एकाग्रता से ये कौन सी मूर्ति की रचना कर रहे हैं माँ की मूर्ति की रचना कर रहे हैं तो यह सोचकर देवदूत ने पूछा कि चलो आप माँ की आदर्श मूर्ति की रचना कर रहे हो प्रभु पर तीन जोड़ी आँखों का क्या काम है किस लिए तो भगवान ने उसे समझाया कि एक जोड़ी आंख है कि माता अपने बच्चे को बंद दरवाजे के आर पर भी देख सके दूसरी जोड़ी आंख किस लिए कि माता बिना शब्द बोले अपने बेटे को देख बता सके कि बेटा मैं तुझे समझ सकती हूँ और मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ और तीसरी जोड़ी आँख किस लिए थी के माता अपने बेटे के अपने बेटे के राज बिना खुले बिना खुले उसे जान सके फिर भगवान ने देवदूत को विनंती की कि अभी आप सो जाओ एक ही दिन में अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो तो देवदूत ने मना कर दिया कि मुझे सोना नहीं है फिर भगवान ने उसे बताया कि मैंने ज़्यादातर काम अभी पूरा ही कर दिया है और इसमें मैंने अपने बेस्ट विचार रख दिए है खास विचार रख दिए है जिसकी वजह से माता जब बीमार होगी तो वो खुद अपने आप को संभाल सकेगी और अपने परिवार को आधा किलो पत्ता गोभी में छः लोगों को खाने खाना खिलाने में संभव भी हो सकेगी और फिर अपने बेटे को खिलाना नहाना नहलाना पढ़ाना फिर उसे सुलाना ये सब काम भी वो बिना गुस्सा किए संभाल सकेगी तो यह सोचकर यह सोचकर देवदूत क्या करने लगा ये मूर्ति के गोल गोल घूमने लगा और फिर क्या मूर्ति को धीरे से छूने लगा तो जब उसने मूर्ति को धीरे से छुआ तो उसने कहा यह मूर्ति तो बहुत सॉफ्ट है बहुत नरम है तो भगवान ने उसे कहा कि ऊपर से यह नरम है पर अंदर से बहुत सख्त है फिर भगवान ने उससे कहा कि तू सोच भी नहीं सकता कि ये माता की ये माता जो है वो क्या कर सकती है और क्या सह सकती है तो यह सुनकर देवदूत ने पूछा कि क्या ये सोच सकती है तो भगवान ने उससे कहा ये सिर्फ सोच नहीं सकती सोच कर उसका कारण भी निकाल सकती है और समझौता भी कर सकती है तो यह सुनकर देवदूत जो था वो बहुत प्रभावित हो गया और वो मूर्ति के एकदम नज़दीक चला गया और फिर वो क्या करने लगा अपने हाथ की उंगलियों उंगलियों से वो माता की मूर्ति जो थी उसके गाल पर हाथ घुमाने उंगलियां घुमाने लगा तो उसकी आंख में से कुछ गिर रहा था पानी जैसा तो वो एकदम सोच में पड़ गया और फिर यह सोचकर जो भगवान जो थे वो क्या उस उत्सुकता से आश्चर्य से वो बोले कि ये आंसू तो मैंने नहीं रखा था वो कैसे आ गया शायद ये कोई मैजिक ही है फिर देवदूत ने पूछा पर भगवान आँसू का का क्या में है आँसू का काम क्या है आँसू का क्या काम है आँखों के में तो भगवान ने कहा ये ये थोड़े अनोखे है ये शायद दुख के हो सकते हैं आनंद के हो सकते हैं गर्व के हो सकते हैं उदासीनता के हो सकते हैं या तो फिर अकेले मन के हो सकते हैं तो यह सुनकर देवदूत ने कहा कि भगवान सच में ये तो बहुत अद्भुत रचना है तो स्टूडेंट ये जो हमारा वंडरफुल क्रिएशन जो पाठ था ये यहाँ पर फिनिश होता है तो आपको इसका जो अनुवाद है वो एकदम ध्यान से याद कर लेना है क्योंकि होमवर्क में मैं आपको इसका अनुवाद देने वाली हूँ आया समझ में फिर साथ में उसके जो मैंने मीनिंग आपको बताए थे वो मीनिंग भी आपको क्या कर लेने हैं याद कर लेने है तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे तो उसका जो अनुवाद है वो भी आप ठीक से याद कर लेंगे और आपको आसानी से आप लिख भी पाओगे तो अभी हम आगे के लेक्चर में मिलेंगे ओके स्टूडेंट तो तब तक आपको ये जो पाठ है वंडरफुल क्रिएशन वो पूरा ठीक से याद कर लेना है